हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, मैड बॉय एंटरटेनमेंट में आपका स्वागत है। तो गाइस, आ गया हूँ मैं अपने नए वीडियो के साथ वापस। तो आज के वीडियो में सरसों का खेत दिखाने वाला हूँ, जो कि बहुत ही सुंदर है। तो गाइस, हमारे वीडियो को देखें और आप भी एंटरटेन करें हमारे साथ साथ। आइए चलते हैं सरसों के खेत की तरफ, देखते हैं क्या सीन बनता है। तो गाइस, ये हमारा सरसों का खेत है और देखिए कितना सुंदर है और काफ़ी दूर तक है। तो गाइस, इसके अंदर थोड़ा जाने का कोशिश करते हैं और देखते हैं कि कैसा लगता है। तो गाइस, अभी हम खेत के तरफ उतर चुके हैं और जा रहे हैं खेत में, आपको दिखाते हैं। ये देखिए गाइस, कितना अच्छा व्यू आ रहा है गाइस, पूरा उतना दूर तक है, काफ़ी दूर तक, कितना सुंदर नज़ारा है गाइस, देख सकते हैं आप लोग। और ये सरसों का पेड़ है, मैं करीब से दिखाने का कोशिश करता हूँ। देखिए ये सारे पेड़ है गाइस, देखिए और भी आगे चल के दिखाता हूँ आसपास। यहाँ पे गाइस चना बोया हुआ है, आप देख सकते हैं ये चना का पेड़ है। और थोड़ा अंदर से व्यू दिखाने का कोशिश करता हूँ गाइस, और थोड़े अंदर चल के दिखाने का आपको कोशिश करता हूँ गाइस, सरसों का खेत। ये देख सकते हैं गाइस, क्या ही सुंदर सा नज़ारा है गाइस सरसों के खेत का। ये इस तरह से उगाया जाता है सरसों का खेत, और आने वाले समय में इसको पीट के सरसों निकाला जाता है जब इसका टाइम ओवर हो जाता है गाइस। तो देख सकते हैं कितना सुंदर ही नज़ारा है। आप लोग जो जो गांव में रहते हैं उनको तो पता ही होगा, और जो गांव में नहीं रहते हैं ऐसे ऐसे व्यू देखने को आपको नहीं मिलता। तो आप देख सकते हैं लाइव यहाँ पे मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, बताइए कैसा लग रहा है, यहाँ पे आप फोटो भी ले सकते हैं। तो गाइस, ये हो गया हमारे सरसों का खेत और ये पीछे वाला बगीचा। और गाइस, ये दिखाते हैं आपको रहर का पेड़। तो गाइस, इससे ही आपका सरसों का पेड़ लगा हुआ है, और यहाँ पे आपका देख सकते चना बोया हुआ है गाइस, और ठीक इसके सामने यहाँ पे आपको रहर का पेड़ है, रहर का पेड़ बोया हुआ है, आपको वो भी दिखाते हैं थोड़ा करीब से। तो गाइस, ये खेत में घूमने का अलग ही मजा है गाइस, अभी थोड़ा खेत में ही घूम रहे हैं। और ये हमारे आसपास रहर का पेड़ है गाइस, देख सकते हैं काफ़ी दूर तक है, मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूँ। और रहर दाल, रहर का पेड़ ही बोलते हैं गाइस, यहाँ पे रहर दाल निकलता है, आप लोग खाते हैं, सब खाते हैं। देखिए गाइस, कितना दूर तक है ये सारा रहर का खेती हुआ है गाइस, यहाँ पे रहर बोया हुआ है, और थोड़ा उस साइड में भी है, मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ। ये गाइस, रहर का पेड़ काफ़ी बड़ा बड़ा होता है गाइस, देख सकते हैं हाइट में कितना लंबा है, मेरे से भी इतना लंबा लंबा गाइस। इसमें अभी फल नहीं आया है, ये अभी टाइम लगेगा, 1 ईयर के अप्रोक्स होता है इसका खेती, 1 ईयर तक होता है, सबसे लंबा टाइम रहर का ही पेड़ लेता है गाइस। तो ये पूरा देख सकते हैं यहाँ से लेके वहाँ तक आपका रहर का खेत है। वो पास में वहाँ पे आपका सरसों का खेत है, बीच में चने का, और गाइस देख सकते हैं वहाँ पे भी आपका रहर का पेड़ है, और भी उस साइड में भी है। और बाकी यहाँ पे जो भी खेती हुआ था इसके बाद कुछ और बोया गया है जोतने के बाद, और यहाँ पे भी देख सकते हैं जोता हुआ है, और भी ऐसे तरह तरह के खेत है जहाँ पे जो चना बोया है, और भी तरह तरह के कुछ सब्जियाँ बोई हुई है, साग। ये गाइस देख सकते हैं एकदम फ्रेश साग, वहाँ पे आलू बोया है गाइस, आलू का भी पेड़ दिखाते हैं। तो गाइस, इसको साइड साइड से मैं जा रहा हूँ डंडियों पे और दिखाता हूँ यहाँ आलू का पेड़। ये गाइस हमारे आलू का पेड़ है, देखिए किस तरह से कितना सुंदर
से बोया गया हुआ है जो खेत वेत में आते हैं या जो जो गांव आते हैं उनको मालूम है इसकी खेती किस तरह से होती है। और ये आलू का पेड़ है गाइस, देख सकते हैं यहाँ पे आलू इसके नीचे फटता है, इसके नीचे ये जो पिलर साइड यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आलू इसके नीचे होता है। और भी उधर धान वान कटा हुआ है, वहाँ का खेती है गाइस, ये रहर का है। तो गाइस ऐसे ऐसे वीडियो लेके आता हूँ आपके लिए, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों में। नेचर से जो जुड़े हुए हैं, जो ये सब चीज़ पसंद करते हैं, उनको भी शेयर करिए ताकि हमारे साथ वो जुड़ पाए और ऐसे ऐसे तमाम वीडियो हमारे साथ जुड़ के देख सके और शेयर कर सके। तो गाइस कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, चलते हैं, बाय टाटा।